अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर काशिफ रज़ा जोया आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल रज़ा इंग्लिश एकेडमी पर। इस चैनल पर आपको तमाम कोर्सेज की वीडियोस भी मिलेंगी, ग्रामर की वीडियोस भी मिलेंगी और बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो लेटर ऑन आपके सामने वन बाय वन वीडियोस आती रहेंगी। अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के कोर्सेज की, और इंटरमीडिएट के कोर्सेज में सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स को। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के कोर्स को हम जो है वो डिफरेंट वीडियोस में डील करेंगे, और साथ ही सेकंड ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी कोर्स करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो किन बुक्स पर मबनी है और पेपर का पैटर्न क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के में जो पेपर्स होते हैं उसमें इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसका पैटर्न डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न को समझने के लिए है। तो आए डिफरेंट स्लाइड्स के ज़रिए से मैं आपको ये समझाता हूँ। हाँ जी, हम करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न इंग्लिश फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड्स, और इसमें जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपका सिलेबस आपका दो बुक्स पर मबनी है फर्स्ट ईयर का। एक है बुक वन जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और दूसरा है बुक थ्री जिसमें कि वन एक्ट प्लेज और पोएम्स हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ जो है बुक वन में वो 15 हैं, और बुक थ्री में वन एक्ट प्लेज 3 हैं और पोएम्स 20 हैं। इसमें से आपका कंटेंट लिया जाएगा आपका पेपर बनाने के लिए। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपका सिलेबस दो बुक्स पर मबनी है, बुक वन और बुक थ्री। आगे बढ़ते हैं, और आपको ये भी जहन में रखना है कि आपका पेपर भी दो हिस्सों पर मबनी है। एक है ऑब्जेक्टिव जिसे हम मारूजी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, और दूसरा है सब्जेक्टिव जिसे हम उर्दू ज़ुबान में इंशाइया कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर 20 मार्क्स का है, और ये 20 मार्क्स का जो पेपर है आपका ये सारे का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शक्ल में आता है, डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शक्ल में आता है, जो कि आपके पास आंसर शीट के साथ एक आपको पेज एंड पे होता है जिसमें डिफरेंट बबल्स होते हैं, आपने वो उसको जाके सिलेक्ट करना है और आपने करना है। और सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं बेटा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपका ये आपके पेपर का क्वेश्चन वन कहलाता है, और इसके तीन पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसको हम आमतौर पर सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। होता यह है कि एक लाइन ली जाती है टेक्स्ट बुक में से, और उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, और उस अंडरलाइन वर्ड के साथ नीचे चार डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उन चार ऑप्शंस में से एक उसका सिनोनिम या हम मानी होता है, जो आपने मुतलका बबल फिल करना है उसका अपनी आंसर शीट के ऊपर जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने तीन एग्जाम्पल्स हैं कि मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बैरस्ड, ये आपकी बुक वन के चैप्टर वन से है, अब एम्बैरस्ड अंडरलाइन है, और चार ऑप्शन जो दी गई हैं टायर्ड, जस्टिफाइड, नर्वस और डिलाइटेड, इनमें से आपका एक ऑप्शन दुरुस्त है, और यहाँ उसे हाईलाइट किया गया है कि नर्वस आपका ऑप्शन है। पेपर में आपने मुतलका बबल फिल करना है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद अगली जो लाइन है अ डिजर्टेड हाईवे समवेयर, ये आपकी बुक थ्री के प्ले में से है और डिजर्टेड अंडरलाइन है, और इसके नीचे जो चार ऑप्शंस दी हुई हैं एम्प्टी, क्राउडेड, ब्यूटीफुल और नोटोरियस। तो डिजर्टेड बेसिकली खाली को कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन आपके पास है वो होगा एम्प्टी। तीसरी एग्जांपल है शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, और ये आपकी बुक थ्री में से ही पोएम में से है, नाइट मेल पोएम में से ये लाइन ली गई है। शॉवलिंग अंडरलाइन है, फाइंडिंग, गेटिंग, डीपनिंग और स्कूपिंग, ये चार ऑप्शंस हैं, और इसका जो आंसर है वो है स्कूपिंग, जिसे कि हाईलाइट किया गया है। तो इस तरह से आपको ये 10 आते हैं पेपर में, और आपने एक एक नंबर का ये है, और आपने ये जो है इससे मुतलका बबल फिल करने हैं, और ये आप अगर थोड़ी सी एहतियात से और थोड़ी मेहनत से याद करें सिनोनिम्स को तो बड़े इजीली ये 10 out of 10 आप अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। हमारा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन वन का वो है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, बेसिकली ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है या बहुत ही शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कोई होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसका टाइप का जिसके कि चार ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उन चार में से एक ऑप्शन दुरुस्त होता है जिससे मुतलका बबल आपने फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि ये पाँच होते हैं पेपर में, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर तीन लिखे हैं, ये पेपर में पाँच नंबर का पोर्शन है और ये पाँच आते हैं। तो ये एग्जाम्पल ज़रा देखें कि मिस्टर स्टुअर्ट ऑफर्ड डैश इन रिटर्न फॉर पुशिंग द बटन, अब मिस्टर स्टुअर्ट ने क्या ऑफर किया था बटन दबाने के बदले में, $3,000, $5,000, $25,000 या $50,000। तो जवाब इसका है $50,000, जिसे यहाँ हाईलाइट किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके प्ले हीट लाइटनिंग में से है कि व्हाट इज द एज ऑफ द गर्ल इन द प्ले हीट लाइटनिंग, गर्ल जो है ये एक कैरेक्टर है प्ले हीट लाइटनिंग का, उसकी एज बताई गई है इस प्ले में,
तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, 19, 21, 23 और 25, तो इनमें से कौन सी उसकी एज है, तो उसकी एज थी 23, जैसे कि यहाँ हाईलाइट किया गया है। इसी तरह मदर स्पैरो ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ डैश टू फीड हर यंग वंस, माँ चिड़िया अपने बच्चों को खुराक देने के लिए क्या लाती है, किस चीज़ का दाना लाती है, तो अगेन चार ऑप्शन हैं व्हीट, मिलेट, साल्ट एंड सैंड। तो यहाँ पर जो आपकी पोएम में बताया गया है कि मदर स्पैरो ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट, और मिलेट को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से ये आपका पोर्शन बी है क्वेश्चन वन का, और ये 5 नंबर का होता है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, आपके पास तीसरा जो आपका पोर्शन है, तीसरा पार्ट है जो क्वेश्चन वन का, वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, यानी आपने वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी है। ये इससे मुतालिका वीडियोज़ जो है वो आपको लेटर ऑन मिलेंगी। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए से कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार यहाँ पे ये वाली जो है स्पेसिफिक फॉर्म लगनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड लगेगी, आईएनजी वाली लगेगी, हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा, हैड का होगा, व्हाटएवर जो भी हो, ये लेटर ऑन जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। अब इसकी जो 3 एग्जांपल्स हैं कि ही डैश अ बुक लास्ट वीक, लास्ट वीक, यस्टरडे, गो बिफोर, और लास्ट को हम आमतौर पे कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हमें मालूम है कि सेकंड फॉर्म लगती है, तो ही बॉट अ बुक लास्ट वीक। इसी तरह शी सेल्डम डैश हर पेरेंट्स, तो आमतौर पर हमें हम ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद जब नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज वगैरह आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसको कंसिडर करते हैं, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शी जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, शी सेल्डम विजिट्स हर पेरेंट्स। तीसरा जो इसमें दिया गया है वो आपका है इफ़ ही आस्क्स मी आई डैश हिम द ट्रूथ, तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि ये आपका कंडीशनल है, इसमें आपकी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है इफ़ वाली क्लॉज जो है वो आपकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपकी होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन कौन सा है, वो है शैल टेल, मतलब वुड टेल, हैड टेल, शैल टेल और एम टेलिंग में से शैल टेल, आई शैल टेल हिम द ट्रूथ, इफ़ ही आस्क्स मी आई शैल टेल हिम द ट्रूथ, ये इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा पेपर में। तो ये 3 आपके जो पार्ट्स हैं, एक 10 नंबर का, 5 नंबर का और 5 नंबर का, मिलकर ये आपका ऑब्जेक्टिव का 20 नंबर का पेपर बनेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो क्वेश्चन वन है पेपर का, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन वन और ओवरऑल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, वो है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1। ये आपको पेपर में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 6 के जवाब देने होते हैं, और ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपकी बुक 1 में से होंगे, आपकी जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें से होंगे। एग्जांपल के तौर पर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि व्हाई डिड नॉर्मा पर्सुएड हर हस्बैंड टू अग्री विद हर, दूसरे नंबर पे है व्हाई डिड द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, और तीसरा है हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी। तो ये 3 आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, इस तरह के आपको पेपर में आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, और उन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 के जवाब देने हैं, और ये 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव पेपर में आगे बढ़ते हैं, और सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 3, ये वंस अगेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3 है, और ये प्लेस में से आपके 3 प्लेस में से आपसे सवालात पूछे जाएंगे, और उन 3 की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ये 8 क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं जिसमें से आपने 5 के जवाब देने होते हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, और ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि व्हाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, ये आपके पहले प्ले में से है। दूसरे प्ले में से एक एग्जांपल है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिटन्स विजिट, इसे तीसरे प्ले में से व्हाट इज हैरी वैन ड्यूसन्स फिलोसफी। तो ये आपके सामने जो 3 एग्जांपल दी गई हैं, इस तरह के आपको पेपर में 8 आएंगे, आपने 5 के जवाब देने हैं। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पेपर का, वो है वंस अगेन आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3, और ये पोएम्स में से है, और ये आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 4 के जवाब देने हैं, और ये अगेन हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, 8 नंबर का आपका ये ओवरऑल क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग, ये सेकंड पोएम में से है। इसी तरह व्हाई डज द पोएट कॉल द मॉडर्न मैन एज हॉलोमन, ठीक, ये T.S. Eliot की पोएम आपके कोर्स में है, द हॉलोमन उसमें से है। इसी तरह है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू ऑफ ओज़िमेंडायस, ओज़िमेंडायस के मुजस्मे की क्या हालत थी, ये नज़म है शेली की आपके कोर्स में, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये 3 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये सारे के सारे आपके
टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है और ये सारे के सारे आपके जो हैं इनमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट बी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपके पास आपने या लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, दो में से कोई एक चीज़। लेटर ऑन वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें कि आपको ब्रीफ किया जाएगा कि लेटर और एप्लीकेशन में कहाँ से आप स्पेसिफिक जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं और किस तरह से कितनी आपकी जो है वो राइटिंग लेंथ होनी चाहिए जिसमें कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और नोट्स इसके ऑब्वियसली रज़ा इंग्लिश अकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जब इससे मुतल्लिका वीडियो बनेगी तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग टू हिम द कॉजेज ऑफ योर पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, या फिर और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। तो इस तरह से ये आपका 5वां क्वेश्चन है, आपको दो में से जो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगे आप उसे अटैम्प्ट करें। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि राइट अ मॉरल स्टोरी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मॉरल्स। दो मॉरल्स आपको दिए जाएंगे, दो में से किसी एक मॉरल पर आपने एक स्टोरी लिखनी है, मॉरल स्टोरी लिखनी है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड या गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप जिस जो आपको महसूस हो कि जिस मॉरल पर आप ज़्यादा बेहतर कहानी लिख सकते हैं उसे आप अटैम्प्ट करें। और ये भी आपका 10 नंबर का सवाल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका 3 पार्ट्स पर मबनी है। इसका पार्ट ए जो है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, वजाहत करनी है, किस चीज़ की करनी है जी? आपको बुक 3 की जो पोएम्स हैं उनमें से कोई 2 या 4 लाइनें दी जाएंगी। आपने पहले उसका रेफरेंस लिखना है कि ये किस पोएम में से और किस पोएट की ये पोएम है। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट उसका बयान करना है कि पस मंज़र क्या है। और आखिर में आपने जो है वो ये बताना है कि मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, वजाहत करनी है गिवन लाइंस की, जो लाइनें दी गई हैं उनकी वजाहत आपने करनी है। तो ये 5 नंबर का आपका पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का है, मेक सेंटेंसेस डिफरेंशिएटिंग द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। अब ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं यानी अल्फाज के जोड़े हैं और ये होमोनिम्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है और आम तौर पे इनका मीनिंग डिफरेंट होता है और साउंड इनकी जो है वो आम तौर पे एक जैसी होती है। आपने सेंटेंस बनाना है इस तरह से कि दोनों का मीनिंग वाजे कराओ। एक बात यहाँ पे मैं शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके शॉर्टकट फार्मूला बताते हैं कि जी ये वाले फिक्रे फिक्स करके लिख दें, ये हरकत नहीं करनी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लफ्ज़ों के मानी को अच्छी तरह तैयार करें, याद करें और उनके सेंटेंसेस प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप फार्मूला सेंटेंसेस लिखते हैं तो दे आर गिवन नो क्रेडिट इन योर पेपर। आखिरी इसका जो सी पार्ट है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग, अच्छा पंक्चुएशन से पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो आपका है पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आपको 7 पेयर्स आते हैं जिसमें से 5 पेयर्स के आपने जुमले बनाने हैं, ये 10 सेंटेंसेज आपने बनाने हैं और हर सेंटेंस हाफ मार्क का है। तो अब आता हूँ दोबारा पंक्चुएशन पर कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग यानी आपने फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और उसके साथ आपने ये भी देखना है कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक लाइन आपके चैप्टर 1 बुक 1 से ली है, यहाँ पर देखें कि कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी साइन जो है, कोई भी सिंबल जो है वो यूज़ नहीं हुआ। ये सारे स्टूडेंट ने खुद लिखने होते हैं, इसके बारे में वीडियोज़ आपको लेटर ऑन मिल जाएंगी और उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा मटेरियल भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखें जैसे कि नॉर्मा एक प्रॉपर नाउन है, नाम है एक किरदार का, तो नॉर्मा का एन कैपिटल होना चाहिए था। इसी तरह मिस्टर स्टुअर्ट में मिस्टर का एम कैपिटल होना चाहिए था, उसके बाद एक फुल स्टॉप होना चाहिए था क्योंकि ये कंट्रैक्शन है, और उसके बाद स्टुअर्ट का एस कैपिटल, और स्टुअर्ट्स जो है ये क्योंकि मलकियत को जाहिर कर रहा है तो अपोस्ट्रोफी आना चाहिए था एस से पहले, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो ये आपने कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये रूल्स अप्लाई करने होते हैं डिफरेंट। इससे मुतालिक आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो वीडियो अवेलेबल होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। आपने ये वाला पोर्शन करना है और ये भी 5 नंबर का है, और इस तरह ये तीनों पोर्शन मिलके आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है, 5-5 नंबर के 3 पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पेपर का लास्ट क्वेश्चन जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम बुक 1 इनटू उर्दू। बुक 1 में से एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने तर्जुमा करना है उर्दू में, और यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पैराग्राफ दिया है आपके बुक के चैप्टर 1 में से। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन्ड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, अ ग्लास डूम कवर्ड द बटन, नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस,
She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इसका तर्जमा नहीं किया, सिर्फ पैसेज पढ़ा है। तर्जमा आपको लेटर ऑन अब जो है वो वीडियोस में मिलेगा। ऑब्वियसली पूरी बुक की रीडिंग अवेलेबल होगी आपको और इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी। तो ये 8वां क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का है, और इस तरह अगर आप इन तमाम क्वेश्चन के मार्क्स जो है उनको ऐड करें जो कि सब्जेक्टिव पेपर में है, तो ये कुल 80 नंबर बनते हैं। और ये 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और यूँ आपका ये 100 नंबर का पेपर कम्प्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने ये वीडियो देखी, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे।